Yes, we are continuously talking about the atomic structure, but in the atomic structure, the Planck's quantum is very necessary and very explosive, okay, topic. So we come here with the newest one. So what is the Planck's quantum finally? We are discussing here, okay. So Planck's quantum may that is a theory and which was given by the Planck's quantum, Max Planck's, ओके सो प्लांक्स क्वांटम में हमारे पास क्या मौजूद है कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल सो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड शुड बी इन अ एनर्जी पैकेट्स. ओके यस, तो व्हाट इज कि आपके पास मैक्स प्लांक्स क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गाइस आप किसे कहते हैं कि ऑल दोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट ट्रेवल मींस द एनर्जी शुड बी क्वांटाइज्ड फर्स्टली. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हाट वी हैव कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो जब ट्रेवल करती हैं इस तरह से, बिकॉज यू नो कि जब वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करती हैं या पार्टिकल वे में जब वो ट्रेवल करती हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती हैं. तो इस तरह की तमाम रेडिएशन जब ट्रैवल करती है तो उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी कंटिन्यूअस. एंड मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रैवल कर रही है तो इसकी जो एनर्जी है वो सम पैकेट्स में होना चाहिए. लाइक ये पैकेट्स आपके पास हैं जिन्हें हम कहेंगे एच म्यू टू एच म्यू. लाइक फर्स्ट जो हमारे पास पैकेट है उसकी एनर्जी हम लिखेंगे एच म्यू एंड दिस वे सेकेंड की हम लिखेंगे टू एच म्यू. ओके एंड इन द थर्ड वे वी राइट हियर थ्री एच म्यू. नाउ व्हाट इज एच म्यू हियर? यस सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये जो एनर्जी है आपके पास वो क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी से. यानी फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी भी हुई हैं या नंबर ऑफ वेव जितनी भी पास आउट हुई हैं किसी भी पॉइंट में से पर सेकेंड, तो उसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इन दिस वे जितनी भी आपके पास मटेरियल पार्टिकल हैं उनके बारे में आप इसको डिस्कस करते हैं. तो मॉडर्न जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बात पता चली है कि जो जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ द आइंस्टीन. ऑफ द आइंस्टीन लाइक आपके पास है कि आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी को क्या होना चाहिए, वो क्वांटाइज्ड होना चाहिए. यानी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारे पास, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है इस तरह से, जब वो ट्रांजिशन करेगा या तो वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा या फिर अपर लेवल लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाएगा. जितनी भी ट्रांजिशन करेगा तो अगर वो अपर से लोअर पे आया है तो उस ड्यूरेशन में उसने इमिशन की है, लेकिन जब वो लोअर से अपर गया है तो उस ड्यूरेशन में उसने एब्जॉर्प्शन की है. तो एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो एनर्जी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए, पैकेट्स की फॉर्म में होना चाहिए. तो ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जैसे कि आपके पास रेडियो वेव, गेमा वेव्स, जितनी भी गेमा रेज हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और जितनी भी एक्सरेज हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आ जाती हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द विजिबल लाइट. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्पेशली द विजिबल लाइट इट मीन्स द एनर्जी इज शुड बी इन द पैकेट फॉर्म ऑफ वी कैन से दैट दिस इज फोटोन. ओके तो विजिबल लाइट में आपके पास जो
ये विजिबल लाइट है आपके पास, तो विजिबल लाइट में जो एनर्जी है, जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे फोटोन। ओके, विजिबल लाइट के केस में आप जितनी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड हुई है उसे फोटोन कहेंगे। सो दिस इज फोटोन। फोटोन क्या होता है? सो वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट इज फोटोन। फोटोन एक स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट या क्वांटम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो विजिबल लाइट है, सो इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये बेसिक यूनिट होता है तमाम विजिबल लाइट का। तो फोटोन हमेशा मोशन में होता है, कभी भी वो रेस्ट नहीं होता करता। ठीक है, वैक्यूम के अंदर भी अगर वो ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से होने चाहिए। क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास इन द वैक्यूम, इट इज आल्सो 3×10^ मीटर पर सेकेंड। 10^8 आपके पास है एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। ओके, तो दिस इज कॉमनली रिफर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने आइंस्टाइन की लाइट क्वांटम थ्योरी को पढ़ा है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उसमें फोटोन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो फोटोन है ना, उसमें चार्ज है और बिल्कुल स्टेबल होता है। ओके, सो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, जो मैक्स प्लैंक हैं उन्होंने ये कहना चाहा कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। एंड दिस एनर्जी इज व्हाट इज, कि ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जब आप रिमूव करते हैं एंड वी पुट हेयर इक्वल एंड कॉन्स्टेंट, सो दिस कॉन्स्टेंट इज प्लांक्स कॉन्स्टेंट। ओके, एंड दिस म्यू एज इट इज राइट हेयर, तो जो एच की वैल्यू है आपके पास, दैट दिस इज 6.626 आपके पास आ जाती है, 6×10^-34 जाउल सेकेंड। ओके, जाउल सेकेंड ये इसकी यूनिट है। इसको सीजीए सिस्टम में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, 6.625×10^-27 अर्ग सेकेंड, अर्ग। ओके, ये आपके पास है अर्ग और ये है आपका सेकेंड। ओके, तो फाइनली वी हैव डिस्कस अबाउट आर प्लांट्स कॉन्टेंट। प्लांट्स कॉन्स्टेंट के बारे में आपने जितना भी था, प्लांट्स का जितना भी कॉन्टेंट आपके पास है वो यही है उसकी थ्योरी के बारे में, कि आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शुड बी क्वांटाइज्ड। तो प्लैंक्स क्वांटम जो है थ्योरी, वो टोटली डिपेंड करती है कि आपकी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, और डिपेंड करती है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रोपगेट होने की जो वेवलेंथ है वो कितनी है। ठीक है, अब व्हाट इज वेवलेंथ? ठीक है, तो जब आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करते हैं तो ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरह से। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये है आपके पास गेमा रे। ओके, ये गेमा रे है एंड द नेक्स्ट आई एम ड्राइंग हेयर। ओके, दिस इज एक्सरे, ये है आपके पास गेमा और ये है आपके पास एक्सरे। ओके, तो गाइस यू आर थिंक हियर कि आपके पास ये जो, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेवलेंथ इज लैम्डा। ओके, तो इन द केस ऑफ गेमा रे द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इन द एक्स रे देयर इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट। ओके, तो इट मीन्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्रेस्ट इज लेस, सो
so the energy will be greater. But in the second case, if the distance between two crests is very large, it means energy and the frequency should be low. Okay, so in this case we have concluded the gamma ray have high energy as compared to x-ray. Okay, so gamma ray jo hoti hai aapke paas, gamma ray jo hai uske paas, gamma ray jo hoti hai unki energy zyada hoti hai x-ray ke mukable mein, aur x-ray ki energy zyada hoti hai अल्ट्रावायलेट के मुकाबले में, एंड अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी है इज़ ग्रेटर देन विजिबल लाइट. ओके, विजिबल एंड विजिबल लाइट की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी आईआर से, मींस इंफ्रारेड से, एंड इंफ्रारेड की एनर्जी ग्रेटर होगी किससे, माइक्रोवेव से. यस, दिस आर आर व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो ये माइक्रोवेव आपके पास, एंड इज ग्रेटर देन रेडियो वेव. ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. तो विच वन हैव द ग्रेटर एनर्जी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज गामा रे. एंड विच वन हैव ग्रेटर वेवलेंथ बट हैज लो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, दैट इज रेडियो वेव. ओके, तो ये हमने देखा, आपको क्लियर हो गया. इस तरीके से जब भी आप रेडियो को सुनते हैं या टेलीविज़न को देखते हैं या डिनर आप कुक करते हैं माइक्रोवेव अवन के अंदर, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. फ़र्क ये है कि वेवलेंथ में उनके फ़र्क होता है, एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी. So we will summarize here. Okay guys, we are summarizing here this energy. E is आपके पास क्या हो जाता है, is equal to h mu. Okay, ये आपके पास मौजूद है. And the next is के आपके पास क्या कर देते हैं आप इसको, you know के आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे आप म्यू कह रहे हैं, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. ओके, एंड सी इज हेयर स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो आप ये क्या कर देते हैं, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, ये है आपके पास. एंड सो वी आर कंक्लूडिंग एच सी ओवर लैम्डा. ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बराबर है सी अपॉन लैम्डा के, तो वी आर समराइजिंग हेयर. ठीक है, अदर टर्म इज वी आर यूजिंग हेयर, दैट इज वेव नंबर. ओके, सो वेव नंबर को आप इस तरह से शो करते हैं. एंड व्हाट इज वेव नंबर, फाइनली नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एंड इट्स टोटली रेसिप्रोकल टू द वेव लेंथ. ओके, तो नंबर ऑफ वेव जितनी भी जा रही हैं पर यूनिट लेंथ, उसको आप कहते हैं वेव नंबर. तो इस तरीके से आपके पास ये मींस आपका जो नंबर ऑफ वेव है या वेव नंबर कह रहे हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा. और फाइनली आपका जो आंसर है वो इस तरह से हो जाता है, ई इज इक्वल टू एच सी, बिकॉज ये जो वन अपॉन लैम्डा है इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वेव नंबर. तो गाइस इस तरीके से एनर्जी जो है फोटोन की, वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द विजिबल लाइट, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोन. ओके, सो एनर्जी ऑफ फोटोन आप मालूम कर सकते हैं अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, अगर आपको लैम्डा पता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो टॉपिक है, ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश है. ठीक है, तो इट्स वेरी कॉमन, आपको पता होना चाहिए कि किस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ज़्यादा है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ओके, द क्वेश्चन इज
Which one of the following radiation has short wavelength? The first option is electromagnetic radiation, and the second is UV means ultraviolet, and the third one is microwave. Microwave. Okay, इस तरीके से आपके पास next is X-ray. So which one have shortest wavelength? Guys, again अभी ही हमने discuss किया था कि जिसकी wavelength कम होगी उसकी energy सबसे ज़्यादा होगी. तो अब इस लिहाज से आपके पास radio waves, infrared wave जो है आपके पास infrared waves और विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज, गेमा रेजेस तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनमें आपके पास क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ तो बहुत ही ज़्यादा होती है. ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो गेमा रे है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, लेकिन गेमा रे तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? यस, यू शुड हैव टू थिंक अबाउट इट. तो वॉट इज़ द आंसर? एक्सरे. तो एक्सरे इज़ द बेस्ट आंसर, क्योंकि आपने देखा कि गेमा रे की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और फिर गेमा रे के बाद आपके पास जो है वो एक्सरे होते हैं. तो इसलिए एक्सरे इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर. होप यू विल लाइक आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.